गाइस आपके लिए पेश करता हूँ ग्रैंड चैप्टर टू की स्टोरी। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, तो आपको मैंने गलत सुना दी क्योंकि सेंडर मैन था तो मर गया था, उसके लिए सॉरी। जो कॉफिन गाया था उस पर रहता था, क्या कहती है, एक साइंटिस्ट की जगह होती है, उसका कमेंट करके नाम बताना, वो कंपनी में काम करता था, वो गॉस्ट नहीं था फिर भी, लेकिन उसे पता नहीं कि उसकी जो बीवी थी सेंड्रीना वो गॉस्ट बन चुकी है। चलो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। चूँकि ग्रैनी ने सेंड्रीना को बेसमेंट से देख लिया था और आज हम देखेंगे उसकी कहानी। तो जब ग्रैनी उसे देखती है अपनी पोती को, जब उसकी पोती मर जाती है तो बहुत हैरान होती है कि सेंड्रीना ने अपनी बेटी को मार दिया है। और वो उसके पास वो फ़ोन नहीं, वो पुलिस को फ़ोन लगाने के लिए जा रही होती है तभी सेंड्रीना उसे देख लेती है, सेंड्रीना उसे बेसमेंट के डोर में बंद कर देती है। तो ये होती है कहानी। और फिर क्या होता है कि जब सेंडर कॉफिन का अपने घर आता है, कॉफिन का कहता है अपनी मम्मी को कि मम्मी मैं भी 5-6 दिनों बाद आऊँगा। तो 5-6 दिन वो भी रहता जो कि सेंडर मैन की तो डेथ हो गई थी, एंजेलिना बहुत शराब पीती थी उसकी डेथ हो गई, ग्रैंड पा तो अपने घर में रहता है जो ग्रैंड चैप्टर 2 का घर होता है। और जैसे जैसे पुलिस को मिलाने आती है ग्रैनी पकड़ी जाती है और उसे भी बेसमेंट डोर में बंद कर देती है। और वो बेचारी ग्रैनी अपनी पोती को मरती मरते देख रही होती है, जो कि जो डेविल हो रहा है उसका मर्डर कर रहा होता है और उस गाड़ी के जो गाड़ी होती है गैराज में उसमें दफना रहा होता है, इससे वो टूटी होती है गाड़ी, ये है सीक्रेट। तो इसे किसी को बताना मत कि उसकी बेटी की जो आत्मा है अब तो उसके घर में रहती है। 5-6 दिनों बाद ग्रैनी बहुत बूढ़ी हो गई थी और वो बहुत भूखे से मर रही थी, तभी उसने अपनी पोती की आत्मा देखी, उसकी पोती ने उसे बहुत आत्मा दी ताकि वो मेरी मम्मी से लड़ सके। ग्रैनी ने उसे जो पोती थी ग्रैनी ने उसे बहुत बहुत ज़्यादा एबिलिटी दी, ताकि बस एक बार हुआ कि जब वहाँ बाहर निकले कॉफिन गए अपने घर आए, यानी कि कॉफिन गए कि मदर इन लॉ ने उसे मार दिया और सेंड्रीना ने ये सब देख लिया, सेंड्रीना देख के भाग गई। फिर वो ग्रैंड चैप्टर 2 के घर में चली गई। अब आपको स्टोरी पता चली गई, नए पार्ट में आपको मिलूंगा नए वीडियो में। बाय बाय।